Hello friends, welcome to Fast Study. So today's our topic is periodic classification of elements. वो महाराष्ट्र बोर्ड का सेकेंड चैप्टर है, न्यू सिलेबस क्लास टेंथ. ओके, तो पहले तो हमने देख लिया था ग्रेविटेशन. सो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं स्मार्ट स्टडी बेस्ड वीडियोस. सो यहाँ पे हम शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए. तो यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है कि वी हैड लर्न्ड ग्रेविटेशन फॉर सेइंग दैट लेसन, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन. सो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि हमने पहले भी इसका जो पहला वाला चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसका हमने देख लिया है. उसको देख लेके आपको डिस्क्रिप्शन में जाना चाहिए, तो उसके जो लिंक दिए उसको क्लिक करके देखना चाहिए. तो यहाँ पे हम ये पार्ट वन देख रहे हैं इसका, चैप्टर टू का और साइंस का ही पार्ट वन ही है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. उसका भी पार्ट वन ही है यहाँ पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का. तो यहाँ पे देखते थे पहले तो है क्या पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी टी है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. सो नेक्स्ट है डोबेरियन टाइड्स, देन न्यूलैंड लॉज ऑफ एक्टिव्स ऑक्टिव्स एंड मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल, मेरिट्स ऑफ मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल, डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल्स. यहाँ पे हम एक वन बाय वन देख लेंगे उस सभी टॉपिक्स को, और नेक्स्ट पार्ट में और उसके भी नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एक्सरसाइज और बचे बचे. सो यहाँ पे जो भी बचेगा तो हम पार्ट टू और पार्ट थ्री में ले लेंगे. सो आगे बोलते हैं. सो सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शंस, बट सो देख लेते हैं पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. यहाँ पे देखिए तो हम एलिमेंट्स क्या है हम पता है, ये बेसिक्स है. अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, मैंने बनाई नहीं है अब तक, पर अब अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा. सिर्फ कमेंट में टाइप कर देना आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्या पता नहीं. अगर वो कमेंट में मैंने टाइपिंग से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है तो मैं करूँगा टाइपिंग, बट अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो मैं आपको वीडियो भी बना सकता हूँ. तो यहाँ पे चालू करते हैं इस टॉपिक को. क्या है टुडे 118 एलिमेंट्स आर नोन, अराउंड 1800 ओनली 13 एलिमेंट्स वेयर नोन. सो अभी 118 एलिमेंट्स हमें को पता है, पर 1800 में आपको उसको साइंटिस्ट थे और जो पीपल्स थे उनको सिर्फ 30 एलिमेंट्स नोन थे. सो आप जान सकते हैं कितनी हमने प्रगति की है केमिस्ट्री के सेक्शन में. यहाँ पे देखिए तो एज स्टार्टिंग ओनली टू ग्रुप्स आर नोन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो यहाँ पे पता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफिनेशन देने की जरूरत नहीं है. सो पहले तो सिर्फ दो एलिमेंट्स के ग्रुप पता थे, मेटल्स और नॉन मेटल्स. फिर लेटर क्या हुआ कि थर्ड ग्रुप को इन्वेंट किया गया, मेटलॉइड उसका नाम रखा. और मेटलॉइड्स क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट्स विच शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स. सो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं जो प्रॉपर्टीज को एलो करते हैं ओबे करते हैं मेटल्स और किसके नॉन मेटल्स की दोनों की भी ऑब्वियस करते हैं तो उसको बोलते हैं हम मेटलॉइड्स. सो यहाँ पे मेटलॉइड्स ले लिया, मेटल और नॉन मेटल ले गया, उसको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं. तीन ग्रुप देख लिए, चौथा ग्रुप भी है इधर, मैंने इसको नहीं किया है, आगे आपको पता चलेगा वो है नोबेल गैस. तो यहाँ पे इसको अब अभी भी नहीं समझते हैं, अभी इस वक्त को हम इसको नहीं लेते, आगे आपको पता चल जाएगा इसी वीडियो में. यहाँ पे लिखते हैं हम टू मेक कन्वीनियंट स्टडी ऑफ एलिमेंट्स साइंटिस्ट क्लासिफाइड एलिमेंट्स. ये बहुत चीज़ अभी पता चल सकता है. अगर एक बार आप ध्यान ले लो कि अगर क्लासिफिकेशन नहीं होता एलिमेंट्स का, क्लासिफिकेशन अगर नहीं होता तो क्या होता, हम इजीली स्टडी कर पाते क्या? तो यहाँ पे उसी लिए टू मेक कन्वीनियंट स्टडी ऑफ एलिमेंट्स साइंटिस्ट क्लासिफाइड एलिमेंट्स. ओके, सो उसी क्लासिफिकेशन को ध्यान रखते हुए तीन साइंटिस्ट ने बहुत बड़ा काम किया है. पहले तो थे डोबेरियन ट्राइड्स, उसको बोलते हैं डोबेरियन के जो वर्क किया उसको बोलते हैं डोबेरियन ट्राइड. ट्राइड हमें पता है कि थ्री इन इक्विटी थ्री इन क्वांटिटी. सो यहाँ पे दिया गया है इन 1817 डोबेरियन एग्जिस्टेड प्रॉपर्टी है रिलेटेड टू एटोमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स. सो डोबेरियन ने एक प्रॉपर्टी दिखाई और इन्वेंट की हम बोल सकते हैं क्या भी, उसमें दिखाई और उन्होंने उसको प्रूव किया क्या भी बोल सकते हैं, सजेस्टेड यानी उसके सजेस्ट नहीं किया पर उन्होंने वो बताई. ओके, ये बोल सकते हैं बताई उन्होंने. सो रिलेटेड टू द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक मासेस में बताए ऑफ एलिमेंट्स. सो ही मेड ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स. अगर आपको एटॉमिक मासेस पता नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं,
ही मेड ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स। सो इन्होंने क्या किया, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स बना दे, उसी को हम बोलते हैं ट्राइड। ओके, देन प्रॉपर्टी ऑफ डोबेनियन। सो प्रॉपर्टी ऑफ डोबेनियन कैसे कहती है कि मिडिल टर्म इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द अदर टू नंबर्स। ऑफ मीन क्या होता है, मीन होता है कि एवरेज। सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शंस, हम फिर एक बार शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डोबेनियन सेज दैट द मिडिल टर्म इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द अदर टू नंबर्स। तो आवाज़ में प्रॉब्लम होगी तो आप हेडफोन का यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी हो आपके साथ, माइक्रोफोन हो, हेडफोन हो, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आवाज़ आ रही है। तो मीन क्या होता है, मीन मेन, ये मेन नहीं है, मीन है। सो मीन का जो मीनिंग होता है वो होता है, मीन का मीनिंग होता है कि एवरेज, एवरेज ऑफ टू नंबर्स। इन्होंने क्या लिया था, थ्री नंबर्स लिए थे एक साथ, साइमल्टेनियसली थ्री नंबर्स लिए थे। वहाँ पे थ्री नंबर्स लेने के बाद अगर यहाँ पे एक नंबर, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे अगर ये आ रहा है, थैंक यू पहले वीडियो में आ नहीं रहता है, एक ये दो और है तीसरा एलिमेंट। इस दोनों का मीन एग्जैक्टली क्या होगा और अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, ये मिडिल टर्म। ओके, मीन सॉरी यार, सो मिडिल टर्म क्या, सॉरी मीन क्या होगा, मीन मीन्स पहला जो एलिमेंट है प्लस कौन सा तीसरा एलिमेंट, उसकी जो एडिशन आएगी वो, फिर उसको क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे दो से, वो होगा मीन। सो इक्वल होगा सेकेंड का, ये हो गया इसका डोमिनेंट का। सो यहाँ पे ओनली फ्यू ऑफ देम फॉलोज दिस प्रॉपर्टी, वो एक ही डिमेरिट है और उसने उसको फ्लॉप कर दिया, इसकी पूरी फिल्म को फ्लॉप कर दिया। ओनली फ्यू ऑफ देम फॉलोज हिज प्रॉपर्टी। ओके, आगे बढ़ते चलो। ओके, सो नाउ न्यू लैंड्स ऑक्टेव्स। यहाँ पे बहुत बड़ा हो रहा है वीडियो, हम फास्ट मिलेंगे अब। न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, इन 1866 न्यूलैंड अरेंज्ड एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो यहाँ पे क्या लिखा, 1866 में लिखा उन्होंने, क्या किया, अरेंज किया किसको, एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बहुत सिंपल है, आपको याद रखना ही होगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्योंकि हमारे बुक में जो दिया है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मैंने यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए। सो अभी क्या हो रहा है, ये जो स्लाइड है, सॉरी इसको मैं कर देता हूँ कम, ये स्लाइड जो है छोटी सी रिकॉर्डिंग की दिखा रही है, वो इस जो क्लिप है उसके सामने आ रही है, पर मेरे को पता है क्या लिखा है, मैं आपको कर दूंगा एक्सप्लेन। यहाँ पे लिखा है सेकेंड स्लाइड को जाते हैं हम, ही स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड एंडेड विद थोरियम। ये बहुत सिंपल है, मैंने ऐसे लिख लिया। ही फाउंड दैट एवरी एथ एलिमेंट अवेज प्रॉपर्टी ऑफ थोरियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि उन्होंने क्या किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 डोमिनेंट लिए थे, 1 2 3 ऐसे एलिमेंट्स लिए थे इन्होंने, न्यूलैंड लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एलिमेंट लिए। अब क्या किया, पहला जो एलिमेंट है जो कुछ भी, वो एट्थ एलिमेंट को ओबे करता है, और एट्थ एलिमेंट पहले के ओबे करता है, मीन्स उसकी प्रॉपर्टी को ओबे करता है, उसको अलग करता है, सेम प्रॉपर्टीज होगी। दिस लॉ इज ओनली अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। ए हो गया इसका डीमेरिट, क्या हो गया, ए क्या है, किस तक एप्लीकेबल है, ओनली एप्लीकेबल अप टू द कैल्शियम। ओके, न्यूलैंड फिटेड टू, और केप्ट बोल सकते हैं हम, टू एलिमेंट्स इन अ बॉक्स। क्या है, यस हाँ सेम बॉक्स। सो यहाँ पे बॉक्स यानी कि सेम बॉक्स, सेम। ओके, सो दो एलिमेंट्स एक ही बॉक्स एक ही जगह में कैसे रखते हैं। यहाँ पे जो आखिरी स्लाइड है, आखिरी टॉपिक कह सकते हैं हम, और आखिरी लाइन जो आपको नहीं दिख रही है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ही आल्सो प्लेस्ड सम एलिमेंट्स विद एलिमेंट्स हैविंग नो सिमिलर प्रॉपर्टीज। उन्होंने क्या किया, एक एलिमेंट जो अभी नहीं करता दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को, उसको ऐसे ही सिमिलर रख दिया। ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं रख सकते, दो स्वभाव के व्यक्ति अगर एक साथ आएगी तो झगड़ा कर देंगे, ऐसे ही उसका भी होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। सो यहाँ पे मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, हमने दो साइंटिस्ट के बारे में लिख दिया, मेंडेलियस के दिख दिए, इसका बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। मेंडेलियस कंसिडर्ड फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, नेम्ड एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स एंड अरेंज्ड 63 एलिमेंट्स विद इंक्रीजिंग ऑर्डर। मेंडेलियस ने क्या किया कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को अकॉर्डिंग एलिमेंट्स एटॉमिक मास, मेनली क्या है उसमें, नेमली नहीं है, मेनली है, गलती से हो गया,
एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स एंड अरेंज द 63 एलिमेंट्स विद इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो इन्होंने 63 एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए थे सक्सेसफुली। सो यहाँ पे इन्होंने एक कर दिया पहला काम, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास के लिए। देन मेंडेलियव ऑर्गेनाइज्ड दिस टेबल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ये तो सबने किया था पर इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस दिया था। देन मेंडेलियव लॉज प्रॉपर्टी क्या करता है, स्टेक क्या से क्या करता है, वो करता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मीन्स एक जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो सम इंटरवल्स के बाद वही एलिमेंट की प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट को भी कॉपी करती है। सो इसकी इसका अर्थ है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हैं अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो। सो लेट्स सी नदर वन यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे मेंडेलियव ने क्या किया था, हम देख रहे हैं 63 एलिमेंट्स को उन्होंने सक्सेसफुली फ्लिस्ट कर दिया था और केमिकल प्रॉपर्टीज उन्हें लॉ भी ले रख दिया, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को उन्होंने ध्यान में रखा। अब देखते हैं मेरिट्स क्या थी इसके, मैंने इसके इसके जो गुण थे और अच्छी बातें जी थी इसके पीरियोडिक टेबल की, उसने क्या क्या अचीव किया वो हम देखते थे। मेंडेलियव प्लेस्ड ऑल द 63 एलिमेंट्स नॉन एट दैट टाइम सक्सेसफुली। तो उनके टाइम सिर्फ 63 एलिमेंट्स नॉन थे। तो इन्होंने क्या किया, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बहुत। ओके, आता है क्या होता कि पहले वीडियो में लिंक नहीं आती थी इसलिए मैं देख रहा हूँ ट्रायल आता है कि नहीं आ रहा है। तो लेट्स स्टडी मेंडेलियव प्लेस्ड ऑल 63 एलिमेंट्स, 63 एलिमेंट्स को उन्होंने प्लेस कर दिया एट दैट टाइम वेरी सक्सेसफुली। 63 एलिमेंट को प्लेस कर दिया पर कैसे सक्सेसफुली, अगर यहाँ पे यूएन डर लेना पूरा फिल्म फ्लॉप। यहाँ पे सक्सेसफुली है, बहुत बोरिंग कर रहा हूँ मैं बट सी। देन नेक्स्ट मेंडेलियव केप्ट सम वैकेंट प्लेसेस फॉर इन टेबल। वैकेंट की जगह हम लिख सकते हैं एम्प्टी प्लेसेस हमारे लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में। क्योंकि उन्होंने वैकेंट प्लेसेस प्लेस्ड क्योंकि उनको पता था कि पहले 18 में कितने थे 13 और इनके टाइम तक क्या हो गया 63, बहुत प्रगति की। देन अभी तक 63 के लेके अभी तक क्या है ये 180 हो गए। उनको पता था कि डिस्कवर हो जाएंगे एलिमेंट। सो उन्होंने क्या किया, उनको लिए उनको भी जगह चाहिए, फिर तो जगह ही चाहिए। तो उन्होंने क्या किया वैकेंट प्लेसेस को रख दिया। फिर नोबेल गैसेस बहुत सक्सेस आ गया, नोबेल गैसेस का आ गया। सो नोबेल गैसेस वॉज सक्सेसफुली प्लेस्ड इन द मेंडेलियव पीरियडिक टेबल इवन ही डिड नॉट केप्ट स्पेशल प्लेसेस फॉर नोबेल गैसेस। एक जरूर नहीं है, दूसरा जो सेंटेंस दिया है मैंने वो जरूर नहीं है, आपको ध्यान में क्या रखना है। ओके यार बेटा, सो यहाँ पे नोबल गैसेस वो सक्सेसफुल प्लेस्ड इन द, पहले लिखते थे नोबल गैस क्या है। नोबल गैस क्या होता है कि वो जो गैस जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता उसकी जो लास्ट ऑर्बिट है वो उसके 80 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी वजह से उसकी ऑर्बिट कंप्लीट होती है, उसको जरूरत नहीं पड़ती किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्यू और टेक करने की। ओके, सो इनकी ऑर्बिट कंप्लीट होती है तो ये किसी के साथ भी रिएक्ट करने की उनको जरूरत नहीं है, ऑर्बिट कंप्लीट है क्यों रिएक्ट करेंगे। सो नोबल गैस पता चला कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, उन्होंने उसको सक्सेसफुली प्लेस कर दिया। उन्होंने क्या किया था वैकेंट प्लेसेस रख दिए तो वहाँ पे लास्ट कॉलम में उन्होंने सक्सेसफुली प्लेस कर दिया। सो यहाँ पे इन्होंने सक्सेसफुली प्लेस कर दिया। सो पे डिमिनिश लिखते थे, यहाँ पे डिमिनिश क्या थी, सम एटॉमिक मासेस हैविंग लार्ज एटॉमिक नंबर वाज प्लेस्ड बिफोर एलिमेंट्स हैविंग लो एटॉमिक मास। इनकी प्रॉपर्टी क्या थी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने का। पर यहाँ पे उन्होंने क्या किया 2 से पहले 3 को ले लिया। मैं सिर्फ इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। उन्होंने क्या किया सम एटॉमिक मासेस जिसकी वो वैल्यू जी थी वो हायर थी एज कम्पेयर टू जो अदर एटॉमिक मास। देन क्या किया आइसोटोप्स वॉज नॉट सक्सेसफुली प्लेस्ड इन द मेंडेलियव पीरियडिक टेबल, क्योंकि आइसोटोप्स एलिमेंट्स मीन्स आइसोटोप्स क्या होते हैं एलिमेंट्स हैविंग केमिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस इज कॉल्ड आइसोटोप्स।
एसोटोप जो उनके बाद डिस्कवर करके, उनकी डिस्कवरी के बाद, उसके उस पीरियोडिक टेबल के बाद डिस्कवर हो गए, चूँकि उन्होंने उसको पहले कर दिया था वो कर नहीं पाए। मीन्स उन्होंने उसको ध्यान में नहीं रहा था कि केमिकल, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट एटॉमिक मासेस, उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता, और एसोटोप्स उनके बाद डिस्कवर हो गए, तो उन्होंने उसको ध्यान में नहीं लिया, तो एक उसका डिमेरिट हो गया। देन पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट स्टेबल, नॉट गिवन। सपोज हाइड्रोजन को क्या एक स्टेबल पोजिशन नहीं मिली, ये सिंपल है। सो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो। सो ये थी हमारा पार्ट वन। कुछ भी आपको अगर सजेशन देनी हो तो कमेंट सेक्शन में देना, लाइक कर देना, और अगले वीडियो के लिए जो इस वीडियो में जो कि आपको प्रॉब्लम लगती है वो भी कमेंट सेक्शन में देना, कमेंट सेक्शन में लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट टू की, 6 पॉइंट्स लेंगे, 6 टॉपिक्स लेंगे इसके बाद के, और फिर इसकी जो लिंक है अगली वीडियो की वो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दे जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में दे जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।